नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तर भारत के अंदर लगभग 24 से 48 घंटे पहले ही अपना जो असर दिखाना है वो शुरू कर चुका था, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आज राजस्थान के अंदर इसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो देखने को मिल सकता है। राजस्थान के बहुत सारे ज़िलों के अंदर जो है वो आज बारिश का अनुमान लगाया गया है, साथ ही साथ कुछ ज़िलों के अंदर जो है वो ओलावृष्टि भी जो है वो हो सकती है, तेज़ आंधी का भी कुछ ज़िलों के अंदर अनुमान है। तो आप ये कह सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज़्यादा जो असर है वो आज राजस्थान के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बाद में कल परसों जो है वो धीरे धीरे इसका जो है वो असर हो सकता है कि राजस्थान के अंदर कम होता जाए और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों के अंदर कमी आए, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा जो है वो बारिश का अनुमान राजस्थान के विभिन्न जिलों के अंदर जो है वो लगाया गया है। तो इसके बारे में आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना कि अभी फिलहाल किस तरह का मौसम आपके एरिया के अंदर बना हुआ है और साथ ही साथ कितनी बारिश जो है वो आपके एरिया के अंदर अभी हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी राजस्थान की। उत्तरी राजस्थान के अंदर यहाँ पर जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही जिलों के अंदर अभी भी जो है वो बारिश की जो गतिविधियां हैं वो हो सकती है आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर। कुछ स्थानों के ऊपर यहां पर जो है वो ओलावृष्टि भी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहां पर अगर आप फिलहाल नरमे वगैरह की बिजाई करना चाहते हैं तो उसके लिए लगभग 3 से 4 दिन का अभी इंतज़ार करें, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो लगभग राजस्थान के अंदर जो है वो 6 से 7 तारीख तक जो है वो रह सकता है। उसके बाद में ही आप कोशिश करें कि यहाँ पर जो भी फसलों की बिजाई से संबंधित कार्य है या फिर गहरी जुताई जो करनी है वो जो है वो उसके बाद ही आप करें, क्योंकि अगर आप अभी जुताई करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर बारिश की वजह से दोबारा से जो है वो घास वगैरह उगने की जो समस्या है वो हो सकती है। और यहाँ पर अगर इसके बाद में देखा जाए तो बीकानेर ज़िले के अंदर भी कल भी बारिश हुई है और आज फिर से यहाँ पर जो है वो बारिश का मौसम जो है वो बन सकता है। हालाँकि सुबह हो सकता है कि काफ़ी कम स्थानों के ऊपर आपको जो है वो बारिश देखने को मिले, लेकिन दोपहर के बाद में या जैसे जैसे शाम के समय हवा के अंदर नमी बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वो बादलों की आवाजाही भी इन जिलों के अंदर बढ़ सकती है। और साथ ही साथ बारिश का अनुमान भी इन तीनों ही जिलों के अंदर जो है वो लगाया गया है। साथ ही साथ चूरू ज़िले के अंदर भी अभी पश्चिमी विक्षोभ का जो पूरा असर जो है वो देखने को मिल सकता है। नागौर ज़िले के अंदर भी बारिश और ओलावृष्टि का जो अनुमान है वो लगाया गया है। कुछ स्थानों के ऊपर यहाँ पर भी तेज़ आंधी आपको जो है वो चलती हुई देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जयपुर और आसपास के ज़िलों के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे ज़्यादा जो पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो हो सकता है, तो आज फिर से जयपुर के अंदर, सीकर के अंदर, झुंझुनू, अलवर, साथ ही साथ दौसा, धौलपुर, भरतपुर, इन सभी ज़िलों के अंदर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों के ऊपर हो सकता है कि सुबह जल्दी बारिश हो, कुछ स्थानों के ऊपर जो है वो दोपहर के बाद में या शाम के समय जो है वो बारिश का अनुमान है। दोपहर के समय हो सकता है कि अधिकतर इलाकों के अंदर यहाँ पर जो मौसम है वो शुष्क बना रहे। 12 बजे के बाद में या 12 1 बजे के बाद में तेज़ आंधी जो है वो चलना शुरू हो सकती है और शाम के समय या रात के समय अधिकतर स्थानों के ऊपर यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिल सकती है। इसके लिए हालांकि दोस्तों, मैं जो शाम को वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर कि पूरे भारत के विभिन्न राज्यों के मौसम के बारे में अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैं रात को किस तरह का राजस्थान का मौसम रह सकता है इसके बारे में भी अपडेट जो है वो देने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसके बाद में बात करें अगर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर ज़िले की, तो जोधपुर ज़िले के अंदर भी बारिश का अनुमान है। जैसलमेर और बाड़मेर के भी जो है वो काफ़ी इलाकों के अंदर जो है वो बादलवाई, घनी बादलवाई जो है वो हो सकती है, तेज़ आंधी भी चल सकती है और हल्की से मध्यम बारिश आपको इन ज़िलों के अंदर भी यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी जो है वो देखने को मिल सकती है। आज का दिन अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश वाला जो दिन है वो आप कह सकते हैं, क्योंकि जो नमी वाली हवाएं हैं वो दक्षिणी राजस्थान तक भी जो है वो आज पहुंचने का अनुमान है। यानी बात करें तो यहाँ पे जो है वो जालौर के अंदर, सिरोही के अंदर, पाली के अंदर और इसके साथ साथ में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ज़िले के अंदर भी जो है वो आज बारिश आपको जो है वो देखने को मिल सकती है शाम तक या रात के समय, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा असर जो पश्चिमी विक्षोभ का है वो आज यानी 4 तारीख को आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ में चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर, भीलवाड़ा ज़िले के अंदर भी जो बारिश की गतिविधियां जो है वो हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां रह सकती है वो यहां पर जयपुर और आसपास के ज़िलों के अंदर और साथ ही साथ अरावली रेंज के कुछ क्षेत्रों के अंदर यानी अजमेर वगैरह के अंदर भी आपको जो देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र की, तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन सभी ज़िलों के अंदर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। जबकि यहाँ पर सवाई माधोपुर और करौली की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की बारिश जो वो हो सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो होने का अनुमान लगाया गया है उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर और करौली के कुछ भाग, सवाई माधोपुर के कुछ भाग
संभाग, दौसा के अंदर, टोंक के अंदर, अजमेर के अंदर, और इसके साथ साथ में बात करें तो पाली के कुछ क्षेत्रों के अंदर और भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर हल्की से मध्यम बारिश और दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी हल्की से मध्यम बारिश का जो अनुमान है वो लगाया गया है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर कुछ जो हिस्से हैं वो शुष्क भी रह सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।